बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू विल बी फाइन एंड टेकिंग ऑल प्रिकॉशन मेजर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड COVID-19। इट्स ग्रेड 5 एंड आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लाइफ इन अ डेजर्ट। डियर स्टूडेंट, इफ़ यू लुक एट दैट पिक्चर, इन दैट पिक्चर शोज द अर्थ 10 लार्जेस्ट डेजर्ट। And if you closely look at that picture, you can see the name of a different desert like Sahara, Gobi, Kalahari, and many more. Now I am going to read the text from your book, Desert. There are many hot and cold deserts in the world. Desert form in places where there is very little rain. As you can see in the map below, most of the deserts are in the western part of the continents. Here is a picture of a map. आपके सामने एक map की picture है जहाँ पर इसकी green color की है। It means कि जहाँ पर green color show हो रहा है वहाँ पर desert होंगे। Like here, Sahara, Gobi, Death Valley, Kalahari, etc. अब डेज़र्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेज़र्ट। द फर्स्ट वन इज पोलर डेज़र्ट। दीज डेज़र्ट्स आर एट द टू पोल्स ऑफ अर्थ, द आर्कटिक एंड द एंटार्कटिक। अब पोलर डेज़र्ट में क्या होते हैं, इसमें टू पोल्स ऑफ द अर्थ इंक्लूड हैं। एक द फर्स्ट वन इज द आर्कटिक एंड अदर वन इज द एंटार्कटिक। नाउ कम टू द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। दीज आर क्लोज टू द ट्रॉपिक्स नॉर्थ टू साउथ एंड ऑफ द इक्वेटर। अब ये वाली जो डेजर्ट्स हैं ये आपके नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के करीब होते हैं। द विंड्स दैट ब्लो अक्रॉस दिस डेजर्ट आर ड्राई, सो वेरी लिटल रेन फॉल देयर। अब यहाँ पर इन डेजर्ट्स में बारिश बहुत कम होती है। एज यू आल्सो रेड इन द प्रीवियस लाइन दैट डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो यहाँ पर भी बारिश बहुत कम होती है। और द सहारा डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट एंड द कालाहारी डेजर्ट आर डेजर्ट ऑफ दिस टाइप। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एन अदर टाइप ऑफ डेजर्ट, दैट इज़ द कॉन्टिनेंटल डेजर्ट। These deserts are in the middle of the continents. अब ये जो deserts होते हैं ये continent के middle में वहाँ क्या होते हैं, winds do not bring rain clouds so far inland. अब जो इसमें अब जो हवा है वो ऐसे बादल नहीं लेकर आती जिसकी मदद से बारिश बरस सके। The Gobi Desert, Kaisel Qum and the Stilut in Iran are example of the continental desert. Dear student, now in this picture you can see the difference between a subtropical desert and the continental desert. Like the subtropical deserts formed due to the subtropical air into the mid latitude, an example of Sahara, Kalahari, and the continental deserts are found in the continental interior where hot summer and cold winter prevail. Examples are the Gobi and the Taklamakan. Coastal desert. Now we are going to learn about the coastal desert. In some coastal area, dry land wind blow throughout the year and they don't carry much moisture. It means यहाँ पर हवा तो चलती है लेकिन उसके अंदर इतना moisture नहीं होता कि जिसकी मदद से यहाँ पर बारिश हो सके, जिसकी मदद से जो land होती है वो आपकी desert में convert हो जाती है, right? Now we are going to move that what type of a climate prevail in the desert. Okay, climate kaisa hota hai desert mein. Like all deserts have very low rainfall, less than 50 centimeter year. And sometimes there is no rain for several years. It means ke aapka क्लाइमेट जो होता है डेजर्ट में वो वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, अबाउट 5 सेंटीमीटर्स
एक साल में या बहुत सालों तक वहाँ पर बारिश नहीं होती. इन कोल्ड डेजर्ट द टेम्परेचर रिमेन बिलो 5 degrees centigrade इन विंटर. इन हॉट डेजर्ट टेम्परेचर अप टू 60 degrees centigrade हैव बीन रिकॉर्डेड. और जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहाँ पर विंटर में उनका टेम्परेचर 5 degrees centigrade से लेकर 60 degrees centigrade तक हो सकता है. इट इज़ हॉट ड्यूरिंग द ईयर द डे बट द टेम्परेचर ड्रॉप्स एट नाइट. क्योंकि दिन में वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन जैसे ही रात होती है वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग द लैंड हीट अप वेरी क्विकली. इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि डेजर्ट में ज़्यादातर आपको पता है कि सैंड ग्रैन्यूल्स होते हैं, सैंड्स होती है, जिसकी वजह से वो दिन में जो बहुत हॉट होती है जैसे ही रात होती है वहाँ टेम्परेचर कम होता है, सैंड बिकम कोल्ड एंड द टेम्परेचर इज जस्ट लो डाउन. ओके, द लोकल विंड इन डेजर्ट आर यूजली ड्राई एंड डस्टी. जो वहाँ पर विंड्स हवा चल रही होती है डेजर्ट में वो बहुत ज़्यादा डस्टी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जिसकी वजह से समटाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म भी आते हैं. इफ़ यू लुक एट द डेजर्ट क्लाइमेट इज़ लुक लाइक दैट. Now we move to the land. Which type of a land our desert have? About 1/5 of the earth land surface is desert. But not all the deserts are sands. Some are rocky. Some deserts are caused by too much cultivation. अब land जो है जो desert में होगी वो sometimes तो बहुत ज़्यादा sandy होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि desert में तमाम जो land है वो सेंडी हो, बल्कि सम आर द रॉकी. और सम जो डेजर्ट जगह है वो डेजर्ट में इस वजह से भी कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होती है, बहुत ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं जिसकी मदद से जो लैंड की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है और द लैंड बिकम द बैरन. इफ यू लुक एट दैट इन दैट यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंड इन अ डेजर्ट. Okay, now we move to the vegetation. Desert plants have a few leaves and thick fleshy stem. These plants are usually spiny. The thick stem store water. The spines prevent desert animal from eating the plants. Okay, vegetation, किस टाइप की वेजिटेशन, किस टाइप के प्लांट्स जो है वो डेजर्ट में पाए जाते हैं. If you look at the picture, you can see the very spiny skin, the spiny stems. And why this happens? Just because of that, क्योंकि जो desert में रहने वाले animals हैं वो इसको नहीं खा सकते because of that spines. Now we look to the animal and the people. Desert may be dry and unwelcoming for people, but they are not without the animal life. And which type of animals you found in the desert? Lizard, snake, scorpion. In Australia, and there are kangaroo and wallabies. Okay, if you look at the desert country, Saudi Arabia is a country that lies almost entirely within a desert today. It is one of the most developed countries in the Middle East. If someone asked you which one is the desert country, the example of the desert country is the Saudi Arabia. There is no vegetation over here, but the main source of income of Saudi Arabia is the oil. Oil is a source of energy for the industry, transport and power. Everyone needs oil, and Saudi Arabia sells oil all over the world, and with the money it's get. Okay, now we move to the question answer from an exercise. Question number one is, what are the continental deserts and how are they formed? Continental deserts are in the middle of a continent, as we discussed earlier, and they get no rain clouds. That is the Gobi Desert in Mongolia and the Great Australian Desert. And your question number two is, why is the population of desert region is so low? कि पॉपुलेशन जो है वो आबादी जो डेजर्ट एरिया में क्यों कम होती है. या आंसर विल बी, डेजर्ट्स आर हॉट ड्राई प्लेसेस विद अ हार्श क्लाइमेट. देयर इज़ अ लिटिल और नो वेजिटेशन, वेरी लिटिल वाटर, पुअर सॉइल, नो फार्मिंग एंड नो फूड क्रॉप्स, एंड दे आर नो सेटलमेंट एंड नो डिवेलपमेंट. हैंस द पॉपुलेशन इज़ वेरी लो. मोस्ट
nomadic tribes live in these areas. And your question number 3 is, what sort of vegetation would you find in a desert? Desert plants are spiny and have thick fleshy stem that store water. The spines prevent the animal from eating the plants, as we discussed earlier. कि आपके जो वेजिटेशन है वो डेजर्ट में कैसी होती है, डेजर्ट प्लांट्स कैसे होते हैं. एंड योर क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ हैज सऊदी अरेबिया बिकम्स अ रिच कंट्री? सऊदी अरेबिया हैज़ अ लार्ज रिजर्व्स ऑफ ऑयल अंडरग्राउंड. द गवर्नमेंट सेल द ऑयल एंड यूजेज द मनी फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ द कंट्री. एंड दैट्स ऑल योर क्वेश्चन आंसर. थैंक यू.